पता है। अभी हम आए हैं चित्तौड़गढ़ फोर्ट पे, हमने लंच कर लिया इस वाले रेस्टोरेंट में, लंच करा था, सही था भैया, खाना टेस्टलेस था। सही था भैया, बहुत टेस्टलेस। हाँ तो ठीक है, सार्कास्टिक मोमेंट था ये। और अब हम जा रहे हैं चित्तौड़गढ़ देखने, ठीक है। और अभी चित्तौड़गढ़ 13 किलोमीटर का है, जो हमें गाइड भैया दिखाएंगे। गाइड गायब हो गया भैया, घुमाने वाला। और बच्चों का मेकअप चल रहा है, तो दिखा दे। और भाई साहब, और यहाँ पे अरे तुम्हारी शक्लें नहीं आ रही, मतलब ये बंदे बेचारे बाहर खड़े हैं, देखो ये दो बंदे की दो महारानियों के मेकअप हो। हाँ भैया, सनबर्न हो गए हमारे। हाँ भाई, काले पड़ गए हम, काले सारे बेचारे बाहर खड़े हुए हैं। अरे खड़े क्यों है, क्योंकि दो दुल्हन तैयार हो रही। चलो तुम्हें कोई नहीं पसंद करेगा, चलो पता ही तो रहे। और यहाँ पे हमारा काफिला आगे नहीं बढ़ रहा है, रानियां आ गई हैं। हमारी दो रानियां अभी अभी श्रृंगार कर रही हैं, श्रृंगार में रथ है। दो रानियों को, एक छोटी रानी, एक बड़ी रानी, एक उमा रानी, एक फट रानी, एक उमा रानी। फट रानी कौन फट रही है? फट रानी, फट रानी। इसको फटना भाई। और एक यहाँ अंदर ज्यादा बोल, हम बिना नहाए धोए ऐसे चल रहे हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं, किसी ने तो करीब ही नहीं है। पॉसिबल कि आप बिना गाड़ी करें या बाइक करें पैदल चल रहे, जैसे कि आप देखो कि मैं अभी तक भी तो शूट ही कर रही हूँ और आई एम ऑन बाइक। तो यार हाल तो बहुत बुरे हैं वैसे, और बुरे इसलिए हैं क्योंकि यहाँ पर ना आप जब भी घूमने आओगे ना, तो टिकट बेशक आपके पास होगा होगा, लेकिन यहाँ पर जो जो घूमने फिरने का है ना, बाइक वगैरह या गाड़ी वगैरह अगर आपके पास है तो वो आपको खुद ही अपने पैसों से ही करनी पड़ेगी। जैसे कि हम अपने निंजा पे ही घूम रहे हैं, हमने सिर्फ पार्किंग के 40 रुपए दिए, अदरवाइज आप यहाँ पर आकर इनकी गाड़ी भी ले सकते हो। इट्स नॉट कंपलसरी कि आप अपनी गाड़ी से ही आओ जिनके पास नहीं है, बट पार्किंग का हाल मैं आपको दिखा देती हूँ एक बार। पार्किंग के ये हाल है, बहुत कंजस्टेड है पार्किंग, सब लोग हैं। कई लोग तो इन ऑटो में घूमने आ रहे हैं, कई लोग इन ऑटो में ट्रैवल कर रहे हैं, जैसे ये लोग ऑटो में आए हैं। बाकी जो हमारे टीममेट्स हैं उनकी एक गाड़ी तो हमने वहाँ लगा दी, और आकाश ने अपने निंजा थोड़ी लंबे में लगाई थी, बट सुखने का डर था कि कोई लग जाती तो आकाश ने तो लंबा लगा दिया। और बाकी अब ये जो किला है, ये किला आप ये है कि छोटे छोटे टुकड़ों में बटा हुआ है, ये किला बहुत बड़ा है और हर जगह आपको बाइक से ही जाना है। तो अभी हम फर्स्ट स्पॉट पर आए हैं, यहाँ से हम बाइक पर जाएंगे, अब इसके बाद देखते हैं। बाकी हमारे टीममेट्स यार आ ही गए हैं ऑलमोस्ट, तो लेट्स स्टार्ट आवर थिंग। हां भाभी, हां टिकट का बताना है पहले तो, कि टिकट के क्या हिसाब था, भैया ही टिकट लेकर आए थे उससे। टिकट का एक पर पर्सन 60 रुपीज है, एंड पार्किंग के लिए 40 रुपीज फॉर कार एंड 20 रुपीज फॉर व्लॉगिंग करते हैं व्लॉगर की तरह, तो पहले सीखे हुए हैं करने तो दो से भी नहीं है। 20 रुपीज फॉर बाइक्स, एंड जो कि मुझे थोड़ा सा ठीक ठीक सही लगा, मतलब कोई बहुत ज़्यादा भी नहीं है, बहुत कम भी नहीं है। और बट द थिंग इज कि जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज थे उनने थोड़ा भी कोऑपरेशन नहीं दिया, उनको बहुत वैसा ही था। हाँ मतलब लाइक हम उन्हें फर्क नहीं पड़ता। और ये देखिए गंदगी भी मचा रखी है, आई डोंट नो पता नहीं क्या है ये, पानी टपक रहा है ऊपर से, पानी टपक रहा है। ओके अभी हम आए हैं, कहाँ पे आए हैं अभी थोड़ी देर बाद, नहीं नहीं मॉन्यूमेंट क्या है ये, तो ये गाइड भैया ही बताएंगे। वहाँ अभी गाइड से पूछेंगे। विजय स्तंभ देखने आए हैं, जो आप शायद हमारे पीछे देख भी पा रहे होंगे। ये विजय स्तंभ है, ये विजय स्तंभ है। हाँ भैया आप बताइए, ये हमारे भैया हैं। गुड नेम सर क्या है आपका? चेतन नाम है। चेतन नाम है, ये गाइड है यहाँ पे। आगे ये देखो, जैसे अपन 7 गेट जैसे क्रॉस करके आए ना, 7 गेट बैक साइड के अंदर में बने हुए। इस किले को मौर्य चित्रंग राजा ने बनाया था 5वीं सेंचुरी के अंदर,
जमीन से लगा के अपन 500 फीट ऊपर खड़े। इस किले के ऊपर में 113 मंदिर और 84 पानी के वाटर टैंक बने हुए। जितना भी आप मंदिर देखेंगे ना, 1303 के अंदर में अलाउद्दीन खिलजी ने हमला किया ना, तो मूर्तियां मंदिर सब तोड़े हुए। जितनी भी आप देखें कि किसी का नाक टूटा हुआ, किसी का पेट टूटे हुए, पूरे फोर्ट के अंदर में आपको डैमेज पार्टी मिलता है। और ये सामने जो अभी टावर दिखा रहा हूँ, इस टावर का नाम पड़ा हुआ है मानना कुमार ने मनाया था। इसको मालवा और गुजरात तीन स्टेट जीत के आए थे ना, क्योंकि यादगिरी जीत में मनाया था। क्या नाम है सर? मानना कुमार बनाया, इसको जीत के आए थे ना क्योंकि यादगिरी जीत में मनाया था। 10 साल लगे थे बनने में, 90 लाख रुपये का खर्चा आया था उस जमाने। डम्बू की आकार से बनाया था, नीचे सोड़ा, ऊपर चकड़ा, ऊपर से वापिस चोड़ा। ये क्या कोरोना की वजह से गवर्नमेंट ने बंद कर दिया, बाकी इसके ऊपर जा सकते हैं। राजस्थान में जो पुलिस होती है ना, उसके जिमना तरफ ये टावर लगता है इस तरफ। ये क्या अभी बंद कर दिया गवर्नमेंट ने, बाकी इसके ऊपर जा सकते हैं। 157 सीढ़ी 122 फीट ऊंचे। अंदर है अभी बंद है, बैटल फील्ड दिखता है, लड़े का मैदान चित्तौड़गढ़ दिखता है। अच्छा। और ये जो अपन खड़े ना, ये पूरा जोर स्थल जो रानी ने जोर किया ना, अच्छा ये जोहर वाली जगह 16,000 दस्यु के साथ में जुड़ने के बाद में अलाउद्दीन खिलजी ने हमने इस फोर्ट के अंदर में जीत के गया था। इस फोर्ट के अंदर जितना भी रानी ने बोल दिया, इस फोर्ट के अंदर में जिंदा आग में शक्ति होना है, तो इसी के अंदर में वो 16,000 दस्यु के साथ में इधर जिंदा जोर ले लिया। आज भी राजा लोग है जो उदयपुर में रहते, सिटी पैलेस के अंदर में यहाँ सुख शांति करना आते, जोत मेला भरा था वहाँ साल में पहली बार लगता है। और ये सामने मंदिर बना हुआ है, 9 फीट का मूर्ति लगा हुआ है इसी के अंदर में। ब्रह्मा विष्णु महेश, पालने वाला, खिलाने वाला, मारने वाला। राजा भोज ने बना था, काल भोज ने 11वीं शताब्दी का मंदिर बना हुआ है। इस नीचे वाटर टैंक बना हुआ है, होमुख स्थल नाम से पड़ा हुआ है। किले के अंदर में 5,000 आबादी रहती है। हमारा का जन्म इस फोर्ट के अंदर भी हुआ। दीवारों पे निशान है, कौन से निशान है यहाँ पे? ऐसा सुना है मैंने, न्यूज में दिखाया था एक बार। नहीं ऐसे निशान नहीं है। अच्छा। वो इसी के अंदर में ये ऐसे बोले होंगे आपको। अच्छा अच्छा ये ठीक है। ये क्या गवर्नमेंट ने सफा करा दी पूरा, जैसे इसी के अंदर में जोर किया ना, ये पूरा शमशान भूमि थी। शमशान के बीच में ये मंदिर था ब्रह्मा और विष्णु महेश। सुंदर तो पानी पीते थे गले में दिखता था उसके, तो इसी के अंदर में वो भी इस किले के अंदर में 6 महीना तक इस फोर्ट को घेरते रखा था। तो इसी के अंदर में राहुल रतन सिंह ने इस फोर्ट के अंदर में कब्जा करने के बाद में राणा रतन सिंह को युद्ध में मार दिया। तो रानी पद्मनी ने बोला आप युद्ध करो, हम जिंदा जोर ले लें। तो वो 16,000 दस्यु के साथ में जिंदा जोर ले लें। ये सब मंदिर थे छोटे छोटे, यह मंदिर है। और जैसे अपन अभी किले के चढ़ के आए ना, वो उस तरफ से राशन पानी आते थे राजा लोग। ये वाटर टैंक बना हुआ इस तरफ। ये मंदिर कमल के फूल के ऊपर और पत्ती के डिजाइन बने हुए हैं। कहाँ? वो नीचे ही जो बिल्कुल नीचे जमीन पे जो उसकी नींव उधर देख, वो कमल के फूल की पत्ती की दुकान है। जो दिख रहा है ना सेकंड वाला भाग देखो, वो लोटे की डिजाइन में है। और ये पूरे लोटे का सिर है, ये पूरा बारीक काम है। इस तरफ आपको शुरू करके जाना है। और ये लिख पत्ता है भगवान का फोटो नहीं है, अंदर सेल्फी अलाउड है। पहले ज्ञान ले लो यार। सामने जो मंदिर देख रहे हो, चित्तौड़ का सबसे बड़ा मंदिर है। इस मंदिर का नाम पड़ा हुआ है ओम श्याम टेम्पल्स नाम से। राणा कुंभा ने इसको रिपेयरिंग करवाता है 11वीं शताब्दी में, तो इसी को भी तोड़ दिया था, दोबारा वापस बनाया। ऊपर से जो देखेंगे गुजरात का सरकार मंदिर का डिजाइन बना है, पीछे से देखेंगे जगन्नाथ पुरी का डिजाइन। इसी के अंदर में विष्णु का अवतार था, उसको हटाने के बाद बाल लगा दिए साधन से। हाँ मंदिर क्या लगा दिया वो अभी कौन चाम टेम्पल का। सामने जो मूर्ति देखेंगे मेरा भी रहने वाली थी लेट का सिटी स्कूटी, वो मंदिर हुआ था नाटके में सिटी के पास। 2020 के अंदर मंदिर लगने वाला मीरा का मूर्ति लगा।